कैसा लगा ये क्या कर दिए ये लग गया है काजल है ना ऐसे कौन काजल लगाता रुको 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 ऐसे कौन काजल लगाता है ये मेरा बेटी को काजल लग गया है कोई बात नहीं सुना अब तो तुमको दूर दूर तक नजर नहीं लगेगा क्या डार्क सर्कल बना दिए काजल का डिबिया मतलब काजल रखा है इसलिए ये काजल का डिबिया है वरना है ये वैसलीन ये घर का बना ये घर का बनाया हुआ काजल है तो बेसिकली दोस्तों हम लोगों का जो मेन आज का थीम था ये हो गया ट्रेडिशनल वे ऑफ काजल पोतना ये हो गया ये भी हो गया ट्रेडिशनल वे ऑफ काजल पोतना है ना देखो उसमें फूल था क्या मुड़ी है तो अब जो कान्हा को लगाएंगे वो जो मॉडर्न आजकल के मम्मी डैडी अपने होते हैं उनके हिसाब से लगाएंगे तो मैंने इनका जब मेजरमेंट किया था तो इनका 101.5 था विच वॉज लाइक कि इनका टेम्परेचर इनका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म था और कल देर रात में क्या हुआ अराउंड 12-1 बजे मैं शायद मूवी देख के उठा था तो लाइट ऑन था तो इन्होंने बोला कि नहीं लाइट थोड़ा सा फ़ोन को इधर करिए जब ऐसे की ना तो ये मेरा हाथ पकड़ी और हाथ पकड़ी तो इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा था और मेरा पारा उस समय गर्म हो गया गुड मॉर्निंग दोस्तों तो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है आज है कौन सा दिन तुम आज सुबह का दिन सुबह कैसा दिन होता है आज संडे है और आज फंडे है फंडे का तो मेरे को नहीं पता लेकिन तन्नु का तबीयत थोड़ा सा डाउन था कल रात में तन्नु डांट भी खाई है मेरे से तो एक्चुअली डांट खाने का रीज़न क्या था तन्नु पहले हाय करते हैं उसके बाद बताते हैं हाँ बहुत बहुत तो बेसिकली कैसा होता है कि अब हमारे घर में जैसे एसी है कूलर है ये सब चीजें चलते रहती है राइट तो ये लगभग मेरे को लग रहा है कि हर घर में ऐसा ही प्रॉब्लम होता होगा क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अब जैसे कैसा होता है कि आप जो ये कोल्ड टेम्परेचर होता है अंदर और अचानक से बाहर जाते हो या तो आप कपड़े डालने जाते हो या फिर कुछ भी काम रह गया जैसे कि तन्नू अब वो कल या परसों वो चले गए थे कूलर में पानी डालने के लिए पाइप लगा हुआ था उधर से तो वो जो टाइम हमने बाहर इन्होंने बाहर में स्पेंड किया वो उसमें वो सर्द गर्म बोल सकते हैं या लू बोल सकते हैं गर्म हवा चल रही थी तो काफ़ी ज़्यादा ये हो गया कल रात से थोड़ा सा राहत है क्योंकि कल शाम को मस्त एकदम बारिश हुआ है यहाँ पे और ज़ोरदार बारिश तो नहीं हुई है लेकिन बहुत हवा चली है और कल तो मैं उस समय बाहर था बाहर गया था तन्नू और मम्मी को गोलगप्पे खाने थे लेकिन तन्नू को मैंने दिया नहीं क्योंकि उसको बुखार था मम्मी को दिया और तो मैं जब बाहर गया तो बहुत जोर का आंधी वांधी चलने लगा था तो मैंने क्या किया फ़ोन को रैप अप करके वो बारिश में मैंने स्कूटी राइड किया बहुत मज़ा आया मतलब आप अंदाज नहीं लगा सकते कि मतलब इतना मस्त ऐसे अचानक से गर्मी के माहौल से तन्नु सोच में पड़ गई हो क्या तो बोलो आज सुबह सुबह वैसे मौसम किया था लेकिन वापस से मम्मी के उतना दिन तो कल शाम ऐसा रहा और उसके बाद जब मैं घर आया तो पावर कट हो गया पावर कट होने के बाद बच्चे एकदम शांत से एकदम हाँ कल अराउंड 8 PM गया करंट और उसके बाद 11 बजे आया 3 घंटे तक लाइन गया रहा और नहीं 3 घंटे नहीं 9:30 बजे गया 5 मिनट बाद चला गया हाँ फिर मतलब वो फ्लक्चुएट करने लगा फिर रात में 11 बजे अराउंड पूरी तरह से आया ये देखिए हमारे यहाँ पे हमारे शुभू भी आ गई है शुभू क्या कर रही है बेटा शुभू क्या कर रही है बेटा शुभू क्या कर रही है कहाँ भाग रही है शुभू अपना ड्रेस दिखा रही है शुभू ये ड्रेस पहनेगी हाँ शुभू क्या कर रही है बेटा हाँ नहीं उसका शीशे का ग्लास है हाँ देख 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 बेटा क्या बोल रही है क्या बोल रही है शुभू क्या बोलना चाह रही है शुभू क्या बोलना चाह रही है हाँ बोलिए बोलिए मैम बोलिए बोलिए आपको कुछ बोलना है तो बोलिए उसको गोद में कर लो जरा
अच्छा, तो ये खेल रही है और हम लोग अभी ये देखिए, ये देखो देखो बेटा, ये ऐसा ऐसा वाला देखो, लाइट चलता है बाबू, गर्म हो जाएगा वो, हीट हो जाएगा सब चीज हम लोग का गर्म ही हो जाता है। तो अब डांट क्यों खाए तन्नू, कल तो रात में जानते हैं क्या हुआ कि मैं दिन में उनको सुबह ही, कल एक्चुअली मैं परसों रात में ही मैंने इनको मेडिसिन दिया था और टेम्परेचर थोड़ा सा था, और कल क्या हुआ मैं सुबह गया मार्केट से मेडिसिन वगैरह लेकर के आ गया और मैं बोला कि सुबह खा लीजिए या दोपहर खा लीजिए या शाम को खा लीजिए। मुझे कौन सा बुखार हो रहा था ना, उतना ज्यादा नहीं हो रहा था। लेट मी फिनिश। क्या हो रहा था, एक होता नहीं कि बहुत ज्यादा बुखार आया और हट नहीं रहा था, अब दवाई खा रहे हैं। शुद्ध बिहारी में उसको हड़फोड़ बिहार बोलते हैं, हड़फोड़ बुखार बोलते हैं। तो उस टाइम जैसे कि जल्दी जल्दी दवाई नहीं खाना चाहिए, ये नहीं कि जितना मतलब अवेलेबल है आप कर सकते हैं, यहाँ कुछ भी काम कर सकते हैं उस बुखार में। हाँ। उतना ज्यादा नहीं लगता है कि मेरे को प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा हो जाए 102-3 तब लगता तो है। मैंने इनका जब मेजरमेंट किया था तो इनका 101.5 था, विच वाज लाइक कि इनका टेम्परेचर, इनका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म था। और कल देर रात में क्या हुआ, अराउंड 12-1 बजे मैं शायद मूवी देख के उठा था तो लाइट ऑन था, तो इन्होंने बोला कि नहीं लाइट थोड़ा सा फ़ोन को इधर कर दीजिए, जब ऐसे की ना तो ये मेरा हाथ पकड़ी और हाथ पकड़ी तो इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा था और मेरा पारा उस समय गर्म हो गया, तो मैं पारा मेरा पूरा गर्म हो गया क्योंकि मैं वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड इन फैमिली मेरा पहला प्रेफरेंस रहता है हेल्थ, हेल्थ अगर सही है तो सब कुछ सही है। और आप लोग बींग ए ट्रिपलेट मॉम राइट, यू शुड बी अलर्ट इनफ कि भाई आपका टेम्परेचर कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, अगर मान लीजिए बुखार सिर पे चढ़ जाएगा तो ये पगला जाएगी तो फिर कौन संभालेगा बताइए। जल्दी जल्दी दवाई नहीं खाना चाहिए, आजकल जल्दी पेन किलर या बुखार दवाने का बहुत ज्यादा है, खाना चाहिए लेकिन जल्दी जल्दी नहीं खाना। तो बहुत ज्यादा था ना भाई, 101.5 डिग्री बुखार होता है ना, चला जाता है फिर सुबह आता है फिर 10 मिनट कम्बल ओढ़ते रह जाओ और फिर होते रह जाओ। फाइनली कल रात में गुस्से में मेडिसिन खाई है, उसके बाद मैं तो मतलब उस तरीके से था कि मेरा पारा गर्म हुआ, मैं चुपचाप सो गया। क्या ताली क्यों मार रही है नहीं मारो ताली तुम, खूब मारो तुम तो। अच्छा ठीक है, तो अब अभी हम लोग क्या प्लान किए हैं, आज संडे है तो आज हम लोग प्लान किए हैं कि बच्चों को काजल कौन ज़्यादा अच्छे से लगाता है, तो मैं अपने का तो काजल लगाने आता है, बाप का बापता क्या होता है, पापा का पपत्व देखिए, माँ का ममत्व देखिए, पापा का पपत्व देखिए। अच्छा, माँ का ममत्व और बाप का बपत्व और क्या बोलते हैं, पापा का पपत्व पपीता कौन काजल लगा सकता है। और आज संडे था तो आज सुबह मैं मार्केट गया, मार्केट से आया और उसके बाद तन्नू वो एडिटिंग कर रही थी उधर, और उसके बाद मैं आकर के मैंने एडिटिंग को संभाला और अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं। देखिए ये लड़की क्या कर रही है बेटा शुभ अरे भाई उस दिन आंटी के घर गए थे तो आंटी के घर तो इसको जैसे खजाना मिल गया, चारों तरफ छोटे छोटे मेडिसिन, पेन क्या बोलते हैं, चार्जर वार्जर चारों तरफ रखा हुआ था और ये पूरा एकदम ये कर रहे थे शुभ। तो ये है हमारा काजल का डिबिया, मतलब काजल रखा है इसलिए काजल का डिबिया है, वरना ये वैसलीन, ये घर का बना, ये घर का बनाया हुआ काजल बनाया हुआ है, 2 साल पहले बनाया है, अभी तक चल रहा है। हाँ तो ये तो घर का रहता था, काफी जिसमें अजवाइन वगैरह सब घी सब डाल के बनाते हैं। अच्छा, और ये देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं अभी, दोनों मंकीज, ये देखिए ये है अपना काना ट्रक लेकर के चल रहा है बेटा, ये बिहान वाला ट्रक है, ये ट्रक की तो 3 साल पहले किनारा है, 5 साल पहले किनारा है।
बिहान कब आया था? 2019 में आया था। अच्छा अच्छा, तो कौन पहले, मैं लगाऊंगा काजल या फिर पहले तुम लगाओगे? हाँ पहले तुम लगाओ, तुम किसको लगाओगे? तुम्हारा प्यारा बाला है, मैं फिर कान्हा को लगाऊंगा। मेरा प्यारा, ठीक है मैं बेटी को लगाऊंगा, तुम कान्हा और बाला को लगा दो। नहीं नहीं, अच्छा हम बाला को लगाएं, आप इसको लगाएं। अच्छा ठीक है, कान्हा को बाद में लगाएं। ठीक है, तो अभी काजल लगाना होगा, तो देखते हैं मम्मी कितना प्यार से लगा देगी काजल। नजर ना लगे तो थोड़ा थुक थुका देना, देखिए कितना आराम से लगा लिया बच्चा। अरे ये तो जयंत्रम ममंत्रम का वो हो गया बंदा, तो जो विलियन था ना जो जयंत्रम ममंत्रम में। अब मेरा बच्चा ज्यादा प्यारा है, तू तो थुकथुका दे, थुकथुका दे, थुकथुका दे, थोड़ा थुकथुका दे ना, कर दो हल्का सा, वेरी गुड वेरी गुड बाला, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बाला। अब मेरी बारी है, अब पापा लगाएंगे काजल बेटी को। वो पहले माथे में पोछ लो अच्छे से। बेचारे काना को कोई नहीं लगाता है। नहीं ये काम पकड़ना, देखना उसका है टाइमिंग। कैसा लगा ये क्या कर दिए? ये लग गया काजल मेरा बेटी। रुको 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 रुको, ये मेरा बेटी को काजल लग गया है। कोई बात नहीं, सुना अब तो तुमको दूर दूर तक नजर नहीं लगेगा। क्या डार्क सर्कल बना दिए काजल? नहीं नहीं ठीक है, फूंक दो फूंक दो अब इसको। आ जा आ जा इधर आ जा इधर, कोई बात नहीं। आ आ सुबह आ जा सुबह। तो बाला और कान्हा में से कंपेयर करते हैं, अभी देखते हैं कान्हा का, कान्हा का देखते हैं, बाला का देखते हैं, बाला का थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, तुम्हारा नहीं करेंगे। तो ये देखिए अब इन दोनों में से कौन ज्यादा, पापा ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए बेटी को एकदम भर भर के काजल लगाना है। और ये जो है सुबह की थुकथुका देती है सुबह। अच्छा अब आएगा कान्हा का बारी, अब कान्हा का बारी। ओ बाला जो है वो रो रहा है दूध पीने के लिए जाकर, और उधर सुबह जो है, सुबह तो बेसिकली दोस्तों हम लोगों का जो मेन आज का थीम था ये हो गया ट्रेडिशनल वे ऑफ काजल पोतना, ये हो गया, ये भी हो गया ट्रेडिशनल वे ऑफ काजल पोतना, है ना? देखो उसमें फूल था क्या? मुड़ी है। तो अब जो कान्हा को लगाएंगे वो जो मॉडर्न आजकल के मम्मी डैडी अपने होते हैं उनके हिसाब से लगाएंगे कि मतलब भाई वो किस तरीके से बच्चों को थोड़ा सा ये लगाते, तो ये ट्रेडिशनल है। मतलब हमारे गांव देहात में जाएंगे तो आपको ऐसे तरह के बहुत सारे, मतलब पूरा भरा भरा काजल मिलेगा आँख में पूरा, और ये मिलेगा। अब कान्हा का बारी आया, कान्हा को एकदम मॉडर्न तरीके से लगाया जाएगा। इधर आ जाओ तो तुम्हें इस तरफ ये देखिए। हाँ कान्हा कितना शांति से लगा था, हो गया काजल पुताई बस। अच्छा ये एक टीका हो गया, और अगर थोड़ा अच्छा ये हो गया मॉडर्न वाला एक टीका। अब देखिए ये हो गया पूरा मतलब प्योर गांव का देसी स्टाइल वाला। हाँ 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 कान्हा
अच्छा तुक तुक आ दो तुक तुक आ दो बेटा बना जाने लग गया ना अच्छा काजल लगा काजल काजल से एकदम आंखें हो गई तो ये हो गया हम लोगों का मॉडर्न से देहाती जिससे मेरे तीनों बच्चे जो है स्पेशली बेटी जो है वो एकदम जजंत्रम अमंत्रम की विलियन दिख रही है। हाँ बेटा जजंत्रम अमंत्रम वाली विलियन दिख रही है ना, और देखो फिर वो आँख बंद करके चलने लगी है। गिर जाएगी बेटा गिर जाएगी सुबह गिर जाएगी। रबड़ रबड़ निकाल वो पहले माथा में पोछ लो ना, वो माथा में पोछ लो ना, वो रबड़ खा लेती है। देखिए रबड़ दे दे तो। और ये जो है मेरा कान्हा जो है आज शांति से बैठा हुआ है, और बाला जो है वो टीवी देख रहा है और टीवी में राइम्स देखता है। तो बस यही है हमारा आज का दिन, और आज शाम को हम लोग थोड़ा बहुत कैप्चर करेंगे कि मैं इनको थोड़ा कराटे सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कराटे सिखाने का। क्या बोलते हो तुम? हमें कराटे नहीं आता है, आपको आता है तो आप सिखाएंगे। हाँ तो मैं सिखा दूंगा कराटे, और देखेंगे कि बच्चे कितना सीखते हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि एक वीक का योगा वीक हम लोग सेलिब्रेट करें, जिसमें कि हम अपने बच्चों के साथ योगा करेंगे एक वीक के लिए। तो बस योगा डे पे इनका बर्थडे भी है, तो आप देखते हैं इस बार बर्थडे में बच्चों को किस तरीके से। तो छोटू बार बार बेटी का मुंह देख रहा है सुबह का। तो देखिए ये कैमरे पर नहीं आना चाह रहा है। और ये जो है अब ग्लास से दूध पीना सीखा है, पानी पीना सीखा है ये अपना बच्चा, ठीक है। तो दोस्तों आज का काजल प्रोग्राम कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो नहीं देखा नहीं देखेगा, रहने दो ना उसको, जहाँ देखना देखना। तो आज बताइएगा कि कैसा लगा, किसने अच्छा काजल लगाया, किसने ज़्यादा अच्छा। ऑफकोर्स मैं ही लगाता हूँ ज़्यादा अच्छे से काजल, तो वो बताइएगा आप लोग कमेंट करके। और ये भी बताइएगा कि और क्या क्या आइडियाज़ होते हैं जो कि हम लोग डेली व्लॉग्स में डाल सकें, जो कि आप लोगों के लिए एंटरटेनिंग रहे और वो हमारा भी एक्सपीरियंस रहे। और तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तनु बाबू बोल दो, बाला बाय बोल दो, बाय बोल दो, बाय बाय बाय।